हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज का व्लॉग होने वाला है हमारी जनपद मार्केट का। तो आज मैं, भाभी और दी जा रहे हैं हम तीनों जनपद मार्केट थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। सो वी आर रेडी नाउ, तो फटाफट से चलते हैं और वहाँ के पूरी जनपद मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। मैं आज तक पहले जनपद मार्केट कभी गई नहीं, सरोजनी जरूर गई वो भी एक बार। तो चलो जनपद का भी देख के आते हैं व्यू कैसा है, कि कैसे कैसी वैराइटीज़ मिलती हैं, कितने बजट तक मिलती हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाइज वी आर हेयर नाउ, देख सकते हो हमने एग्जिट किया है राजी चौक के गेट नंबर 6 से। यहाँ से भी नियर बाय पड़ता है क्योंकि, इसलिए चले फिर अब। और गाइज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। आ चुके हैं जनपद मार्केट में और ये हमने बैक गेट से एंट्री करी है, तो चलो अब चलते हैं मैडम। तो देने तो ले लिया अपनी एक शर्ट। कुछ ज़्यादा मार्जिन नहीं है गाइस यहाँ इस मार्केट में, इधर तो नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाता है, ज़्यादा मार्जिन नहीं है कहीं पे भी। तो गाइस काफ़ी सारी शॉपिंग हम लोग कर चुके हैं यहाँ से। गाइस हमारे पास आ गए डोलमा आंटी के मोमोज, लेट्स ट्राई। मैं तुम ट्राई करके बताओ, फिर मैं ट्राई करूँगी। चलो लेट लोग जा रहे हैं। ये है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन और हम यहाँ से बर्गर और फ्राइज ले रहे हैं क्योंकि सबको बहुत तेज भूख लग रही है। एंजॉय कर रहे हैं गाइस, बहुत तेज भूख लग रही है। सो गाइस वी आर बैक टू होम और हमको ज़्यादा ही थक चुके थे और अब मैं दिखाती हूँ क्या क्या हम लोगों ने खरीदा है। कुछ ज़्यादा मार्जिन नहीं था, जैसे यहाँ की मार्केट थी वैसे ही वहाँ की मार्केट थी, मेरे को इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लगा। तो सब दिखाते हैं कि क्या क्या मैंने खरीदा है। ओके तो चलो पहली चीज़ दिखाती हूँ, ये शर्ट। शर्ट ले मम्मी, कैसी लग रही है शर्ट बताओ। बढ़िया लग रही है। अच्छी है, बहुत बढ़िया, अच्छी लग रही है ना, सही है ना। नेक्स्ट हमारे पास मेरे शेड्स दिखा था, पता। सो नेक्स्ट है हमारे पास शेड्स, ये मैंने वहीं पे निकाल के लगा लिए थे, लोग देखो इसकी गाइस नाइस ना। ओके एंड देन ये है एक शॉर्ट कुर्ती, ये मम्मी ये कैसे लग रही है। अच्छी है, सही लग रहा है, बताओ। दीदी को अच्छा लग रहा है। जी है हमारे पास ये शर्ट, ऐसा लग रहा गोल जा रही हूँ अभी मैं, मम्मी ऐसा तो खास नहीं। कैसी है ये बताओ, अच्छी लग रही है, नाइस। और ये थे एंड देन ये शर्ट दी नहीं लिया वैसे, उसका मैं निकाल रही हूँ। और ये इयररिंग्स देखिए, इयररिंग्स है और हमारे पास पूरे सेट देखो, और प्लस इसके इयररिंग्स, ये हमने पूरा सेट लिया है, काफ़ी अच्छा था। मार्केट तो काफी सही है, चीजें ली थी मैंने और बाकी भाभी और दी ने लिए जो भी अपनी है ज्वेलरीज वगैरह। तो गाइस ये थी कुछ चीजें जो मैं अभी जनपद से लेकर आई हूँ और हम लोगों को काफी टाइम लगे वहाँ पे एक्सप्लोर करने में। मार्केट ठीक ठाक है, मतलब एवरेज है, ज्यादा हाई नहीं है, ज्यादा लो नहीं है,
और मेरे को तो काफ़ी एवरेज लगी, सिमिलर लगी थी यहाँ की मार्केट से, बस ठीक है, हाँ एवरेज मार्केट है, आप अफोर्डेबल भी है काफ़ी ज़्यादा। और अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लो नहीं है, एवरेज है फैब्रिक भी वहाँ का। तो अगर आप लोगों को वहाँ परचेज़ करने जाना है जनपद मार्केट, सो यू कैन, और वहाँ पे अफोर्डेबल है काफ़ी प्राइस, मतलब सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग प्राइस है। हाँ वहाँ पे ये है कि बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करी थी तभी हम लोगों को इतना प्राइस में मिली है चीज़ें भी। और वहाँ पे हम लोगों ने डॉल मांटे के मोमोज भी खाए थे। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये मार्केट कैसी लगी, और जो मैं कपड़े लेकर आई हूँ या फिर जो ज्वेलरी लेकर आई हूँ उसके प्लीज़ आप लोग गेस करना कपड़ों का क्या अमाउंट होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन सी यू, बाय बाय।